हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बॉन्साई लवर चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सामने जो बॉन्साई पेड़ लेके आया हूँ, ये देख रहा है, ये बॉन्साई पेड़ का नाम है कार्मोना बॉन्साई ट्री। हाँ, आपने सही सुना, कार्मोना बॉन्साई है ये पेड़। बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है। मैंने 6 महीना पहले इसका वायरिंग किया था, ये देखा, आज मैंने इसको लेके आया, इसके ऊपर थोड़ा काम करना अभी बाकी है। तो मैंने सोचा था इस वायरिंग को निकल के नया फिर से वायरिंग करना है, बट अभी इसको वायरिंग रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये वायरिंग अभी ठीक ही है। ये वायरिंग में ब्रांच उतना मोटा नहीं आया है, अभी वायर दबा नहीं है अंदर वायर ब्रांच की, तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे। जो साइड वाला जो ब्रांचेस निकला है उसको थोड़ा वायरिंग का ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, मेरे हाथ में जो अभी वायर लेके आया हूँ, जैसे ब्रांच है उसके ब्रांच के माफिक मैं इसको वायरिंग करना है। जो जो ब्रांचेस में वायरिंग का ज़रूरी है उस ब्रांच को उसका माफिक की वायर्स का थिकनेस सिलेक्ट करके उस वायर से मैं सिलेक्ट वायरिंग करूँगा। मेरे पास बहुत सारे वायर है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिकल शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोग की वायरिंग में वायर ढूंढने में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके भेजिए, मैं आपको बोल दूँगा कहाँ मिलेगा। देखिए, मैं कैसे इसको नीचे वाला जो ब्रांच का लेयर है उसको वायर कर रहा हूँ साइड वाला ब्रांच। मेरा कार्मोना के ऊपर बहुत सारे वीडियो है पहले भी, कार्मोना बॉन्साई के लिए कैसे सॉइल लगता है, कौन सा पॉट में अच्छा होता है, मैं डिटेल सब मेरा वीडियो में पहले दिया हुआ हूँ। अगर आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी फिर से डाल दूँगा, अगर आपको ज़रूरी है तो लिंक ओपन करके आप देख लीजिए। तो दोस्तों, मेरा हर वीडियो में आपको मोटिवेशन मिलेगा, बॉन्साई कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से पेड़ पौधा लेके आएंगे, कहाँ से ब्रांच, कहाँ से टॉप खरीदेंगे, कहाँ से वायर मिलेगा, ये सभी चीज़ों का मेरा डिटेल्स मेरा वीडियो में दे देता हूँ। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा और लिंक ओपन करके आप देख लीजिए। अगर इससे भी आपका कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके भेजिए, मैं आपका फ़ोन मेरा फ़ोन नंबर आपको शेयर कर दूंगा। बॉन्साई पेड़ में कोई की दोस्त मेरे को लिखता है जो बॉन्साई पेड़ में कैसे सॉइल बनाएंगे, कैसे ड्रेनेज होगा, कौन सा मिट्टी में अच्छा होगा, कौन कौन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये सब कुछ मैं डिटेल्स मैं पहले वीडियो में दे दिया हूँ, आपको चाहिए तो देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको वीडियो बॉन्साई का देता हूँ हर रोज़, तो आप देखेंगे मैं एक छोटे बच्चे की तरह उंगलियाँ पकड़ के आप लोग को मैं सिखाता हूँ कैसे बॉन्साई बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल बटन में जाके ऑल में क्लिक कर दीजिए,
क्योंकि बेल बटन में आप ऑल में क्लिक करेंगे तो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपका मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मेरे को कमेंट करके भी भेजिए अगर किसी कैसे लग रहा है आपको वीडियो, कुछ जानकारी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक पतला वायर लिया है, साइड वाला ब्रांच को मैं वायरिंग कर रहा हूँ। हर रोज आपको बॉन्साई को आपको देखना है कि कहाँ का उसका ग्रोथ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, क्या काम करना है, ये आपका रूटीन माफिक हर रोज़ आपको देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि बॉन्साई एक दो दिन का काम नहीं होता है, सालों साल का काम होता है, तो आपको बहुत सारे पेशेंस रख के ये करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो हर ब्रांच में साइड ब्रांच अपर ट्रंक सब कुछ को मैंने वायरिंग किया हूँ पहले से। अभी जो जो ब्रांच निकला है नया से उसके ऊपर मैं वायरिंग कर रहा हूँ। बॉन्साई में वायरिंग बहुत ही मस्ट होता है क्योंकि एक पेड़ जब आप टॉप में पॉटिंग करेंगे तो पेड़ खुद ब खुद ग्रोथ लेंगे, बट वो बॉन्साई में अच्छा नहीं लगता है। अगर वो बॉन्साई का स्ट्रक्चर आप वायरिंग से देंगे तो उसको देखने में बहुत सुंदर होता है, उसका मार्केट में भाव भी ज़्यादा होता है। ये पेड़ 3 साल का ऊपर इसका उम्र हो गया है, फिर भी उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारे ब्रांच के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए साइड वाला ब्रांच जो आया है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वायरिंग कर रहा हूँ बहुत ही धीरे धीरे, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से मैं कर रहा हूँ। ऐसा माफी को आप लोग को करना चाहिए, थोड़ी भी जल्दबाजी में कोई ब्रांच टूट जाएंगे तो आपका 6 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ से फिर नया ब्रांच आने के लिए। वो ब्रांच आ भी सकता है अब नहीं भी आ सकता है, तो जब भी आप काम करें तो उसको बहुत ही धीरे धीरे पेशेंस रख के उसके ऊपर काम कीजिए। मैं जो वायर का रिंग से पहले से वायर कट के रखा हूँ, लेकिन काम करने के टाइम बहुत जल्दी सुविधा होता है। सो फ्रेंड्स मैं जो आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको मोटिवेशन जो मैं आपको देता हूँ वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में बेल आइकन में जाके ऑल में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसको आपका मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई दिक्कत भी हो तो मेरे को कमेंट करके लिख के भेजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।